हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल डिफेंस मैनिया वन स्टॉप फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम। सो फ्रेंड्स, मैं साहिल कुमार आप सबके लिए आज CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि जो हमारे POP मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए मैंने लाइट का चैप्टर हमारे बैच में लाइट का चैप्टर और इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो प्लीज़ आप अपने इस क्वेश्चन को पहले देखिएगा और आपको कितने क्वेश्चन पता थे, आपका क्या फीडबैक है बैच को लेके, आप हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज दीजिए। जितने भी POP के मेंबर्स देखेंगे वो अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे देंगे, ताकि जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको बैच ज्वाइन करने में हेल्प मिले। बैच के इस पूरे वीडियो के एंड में मैंने POP 2021 बैच की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, कैसे आप हमारे साथ CDS 1 2020 को और AFCAT 1 2020 को टारगेट कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। एंड अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। सी द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लाइट इज 2013 के सेकेंड पेपर में आया था। क्वेश्चन है डिस्पर्जन प्रोसेस फॉर्म स्पेक्ट्रम ड्यू टू व्हाइट लाइट फॉलिंग ऑन अ प्रिज्म द लाइट वेव विथ शॉर्टेस्ट वेव लेंथ। मतलब ये दिया है कि मान लो, देखो मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ये प्रिज्म है, मान लो ये प्रिज्म है, और प्रिज्म में इन्होंने देख क्या रखा है कि एक वाइट लाइट यहाँ से ऐसे आती है। चलो भाई, मान लिया एक वाइट लाइट आई, और ये क्या होता है, अब ये आपको पता है कॉम्पोनेंट में टूटती है। तो मैंने बताया था कि सबसे स्टार्टिंग में जो होता है वह सीरीज ऐसे शुरू होती है, ये जो विबगोर वाली सीरीज है ना, ये ऐसे होती है VIBGYOR, ठीक है। तो ये ऐसे होती है, मतलब कि जो हम जब वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ में आपके विबग्योर में, एक बार ध्यान रखना, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे VIBGYOR, वेवलेंथ के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, आर का होता है, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, सबसे कम किसका होता है, तो वायलेट का होता है। मैंने यही बताया था, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है वो सबसे कम डेविएट होता है, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है। तो यहाँ पे दिया है कि द लाइट वेव विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यहाँ पे सबसे सिंपल होगा रिफ्रैक्ट द मोस्ट, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता सेम हमारे उसी कॉन्सेप्ट से। चलिए, 2013 का सेकंड पेपर में क्वेश्चन आया था। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, अ रे ऑफ व्हाइट लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ ऑल द कलर्स आर रिफ्लेक्टेड द सरफेस वुड अपीयर। मैंने आपको बताया था किसी कोई भी चीज उसी कलर की तभी दिखती है जब वो कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी कलर को ऑब्जर्व कर लेता है। इसका मतलब कि अगर सारे कलर को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, दैट मीन्स कि तो सरफेस था वो क्या था, व्हाइट था। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक कलर है ना, वो क्या करता है, वो सबको ऑब्जर्व कर लेता है। ब्लैक कलर जो है वो यूनिवर्सल, मतलब सबको, जितने भी होंगे ना उन सबको वो क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये पार्ट भी क्लियर हो, तो यहाँ पे आपका जो व्हाइट हो जाएगा वो क्लियर कट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कलर्स हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ। सिंपल सा है, मैंने अभी बताया था आपको किसका ऑप्शन रेड होगा। मतलब की बात यह है कि जैसे जैसे कि आप, अगर जो POP मेंबर्स है वो वीडियो अगर देख रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि जो हमने चीजें पढ़ाई की थी वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रही है। यहाँ से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है, बूस्ट होता है। तो मैं अदर सब्सक्राइबर से यही कहूंगा कि अगर आप बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपको जो भी फीडबैक, जो भी आपको मतलब पूछना है आप मेरे से पूछ लो, उसके बाद आप अपने बैच में इनरोल हो। तो इसका बैच के सारे डिस्क्रिप्शन मैंने, मतलब सारे जो भी डिटेल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, और वीडियो के एंड में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वन इज, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू। ये भी क्वेश्चन आपका बताया हुआ है 2014 के एक में पूछा था, वो होगा आइदर प्लेन और अ कॉन्वेक्स मिरर। सी डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन लेंस एंड मिरर, क्वेश्चन में क्लियर मिरर मेंशन कर रखा है, इसका मतलब आइदर प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर। आगे बढ़ते हैं, द पोजिशन रिलेटिव साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कनकेव लेंस पूछ लिया आपसे। क्या पूछ लिया, कनकेव लेंस। मैंने आपको बताया था कि हमेशा याद रखना इन्फिनिटी वाली पोजिशन को, फोकस वाली पोजिशन को, पोजिशन वाले जो भी, मतलब इन्फिनिटी वाला जो पोजिशन है, मतलब इसका जो लेक्चर जो हमने बैच में डाला हुआ है, तो जो अगर आप POP वाले मेंबर हैं, अगर आपने देखा नहीं है वो लेक्चर, तो एक बार आप देख लो, उसके बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो द पोजिशन रिलेटिव साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी आर रेस्पेक्टिवली। तो इसका होगा सिंपल सा, एट फोकस डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। डायग्राम कुछ यूं बनेगा आपका,
अगर मैं बनाऊं तो ये रे आई इन्फिनिटी से इधर गई और ये जो आपका है ये फोकस पे यू बनेगा इधर, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन है आपका, इन द फेनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट द लाइट वेव ऑफ शॉर्टेस्ट वेव लेंथ। अगेन 2014 का जो क्वेश्चन है, ये दो सिंपल क्वेश्चन था, देखो ये जो पहला क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन 2013 का 2014 में भी आया, मतलब क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। द लाइट वेव ऑफ शॉर्टेस्ट वेव लेंथ इज एक्सेलरेटेड एंड रिफ्रैक्टेड द मोस्ट, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट वन इज द अपर एंड द लोअर पोर्शन इन कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंसेज आर रेस्पेक्टिवली, तो इसका आंसर होगा आपका कनकेव एंड कन्वेक्स, ये लेक्चर हमने अभी कवर नहीं किया है अपने बैच में। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर अपीयर्स द मिरर। हाँ देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन के बारे में हमने ये पढ़ाई भी की थी। देखो मैंने बताया था ना कि आप जितनी दूर प्लेन मिरर में खड़े रहोगे उतनी दूर आपकी वहाँ पे इमेज दिखाई देगी, मैंने कहा था ना कि जितनी दूर खड़े रहोगे, मतलब कि अगर आप 1 मीटर की दूरी पे खड़े हो तो आपकी इमेज भी 1 मीटर की दूर दिखाई देगी। इसका मतलब बंदा 1 मीटर दूर खड़ा था लेकिन 40 मीटर जो है वो क्या होता है आगे बढ़ता है। अब मिरर से आदमी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 60 मीटर, मतलब कि इमेज होगी वो भी कितनी दूरी पर होगी वो भी 60 मीटर पर होगी, तो आदमी और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 120 मीटर, मतलब 120 सेंटीमीटर, दैट इज 1.2 मीटर। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं इसको आंसर कर दूंगा। द आउटसाइड रियर व्यू मिरर ऑफ मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स इज मार्क्ड विथ वार्निंग ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये आपको रोड पे आपके गाड़ियों के साइड मिरर में दिख जाता होगा, ध्यान रखना मिरर में और लेंस में यही डिफरेंस है। कभी कभी वहाँ पे आपको कॉन्वेक्स मिरर की जगह पे कॉन्वेक्स लेंस दिख जाएगा, उसको क्लिक मत करना। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, डी को मार दो। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ गए हम, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ ए नॉर्मल, देखो ह्यूमन आई का जो नॉर्मल फोकल लेंथ होता है आपका 25 सेंटीमीटर, ये हमने अभी ह्यूमन आई नहीं पढ़ी है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर। ह्यूमन आई को अभी जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें मैं कवर कर दूंगा। नेक्स्ट है इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, देखो यहाँ पे स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट आ गया, जो मैंने बताया था कि द एसी आउटपुट गिव्स करेंट मोर देन द इनपुट करेंट, करेंट मोर देन द इनपुट करेंट, करेंट लेस देन द इनपुट करेंट। ऐसे क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो ये होगा, आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ए होगा, दैट इज करेंट मोर देन द इनपुट करेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन आवर टीवी सेट कंप्यूटर, ये मैंने बता दिया है कि जहां भी चार्ज को स्टोर करने की बात होगी वहां पे कैपेसिटर इज द राइट आंसर, नो डाउट। नेक्स्ट वन इज योर, ये क्वेश्चन आपके आया था 2012 के सेकेंड पेपर में एंड ये क्वेश्चन आया है 2013 के फर्स्ट पेपर में, एंड द क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, इसका मतलब भाई देखो सिंपल है कि अगर दोनों को टच में लाया जाएगा तो मैंने बताया था कि जो टोटल चार्ज होगा वो भी कंजर्व होगा एंड जो टोटल एनर्जी होगी वो भी कंजर्व होगी। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बोथ द टोटल एनर्जी एंड द टोटल चार्ज आर कंजर्व। आगे बढ़ते हैं, व्हेन एन इंडसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स ग्लो, देखो यहाँ पे सिंपल दिया है कि अगर कोई बल्ब है और वो ग्लो हो गई ऐसे करके, ये मैंने बल्ब को, मैंने ड्राइंग थोड़ी ख़राब है इग्नोर करना, तो बल्ब ग्लो हो गई, तो बल्ब ग्लो होती है तो आपने कभी, जिसने कभी बल्ब चेंज किया हो ना फ्यूज बल्ब को, उसको एहसास होगा कि वो कितना गर्म होता है, इवन हम कपड़े की पकड़ने की कोशिश करते हैं फिर भी वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दैट मीन्स कि एट द सेम टाइम द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज पार्शली कन्वर्टेड इन टू द लाइट एनर्जी एंड इन टू द हीट एनर्जी बोथ। कभी भी 100 वाट का बल्ब जो पीला वाला होता है ना ठंडे के दिन में जला के सो जाना, आपको गर्मी का एहसास हो जाएगा, ठीक है, तो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट वन इज अ मोबाइल फोन चार्जर इज, देखो ये क्वेश्चन तो क्लियरली कराया है अपने बैच में, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उनको एहसास होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ जो बच्चों को, जिनको अभी जो सब्सक्राइबर्स है जो बैच में नहीं है उनके ट्रस्ट इशू के लिए आप प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दे दो ताकि उनको रियलाइज हो कि हाँ चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से चल रही हैं। ये क्वेश्चन हमने क्लियर कवर किया हुआ है, जिसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, मैंने कहा था बहुत ही ईजी एग्जाम्पल घर में आपको देखने को मिल जाएगा, उसको बोलते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगला है इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस, दीज आर इनर्ट गैसेस, मैंने बताया था दीज आर इनर्ट गैसेस, इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस आर यूजुअली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब इन ऑर्डर टू व्हाट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द फिलामेंट सो दैट कि ये ऑक्सीडाइज ना करें।
अदर गैसेस फिलामेंट को ऑक्सीडाइज ना करें, इसलिए इसका हम यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि आपका 2014 के सेकंड पेपर में आया था, टंगस्टन इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब. बिकॉज मैंने बताया था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करता है ताकि ये हाई टेम्परेचर पे भी गले ना. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड फ्रेंड्स, अभी आपको मैं अपने बैच का डेमो दिखाऊंगा कि अभी कि वो कैसा हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं और क्या तरीका है हमारा. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू डिफेंस मैनिया एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू. सो फ्रेंड्स, हेयर आई विल शो यू आवर बैच कि कैसे हम प्रोसीड करते हैं. लाइक सी, डेली आपको कैसे लेसन मिलते हैं, तो आपको पीडीएफ फॉर्म्स, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉलेस्ट टॉलेशन लार्जेस्ट का वो डाला हुआ है, पीडी डाला हुआ है. फिर हमने यहाँ पे केमिस्ट्री के लेसन डाले हुए हैं. तो बेसिकली इसी तरह करके डेली, जैसे आज 28 नवंबर है, फिर आपको मतलब कि जितने ये सारी जो वीडियोज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, केमिकल बॉन्डिंग, लाइट, ये जितने भी वीडियोज़ पड़ी हैं, जो नोट्स पड़े हुए पीडीएफ, ये सारे आपके अनलिस्टेड वीडियोज़ हैं जो कि केवल ग्रुप मेंबर्स के लिए अवेलेबल है लिंक के थ्रू. तो प्लीज़ ये हमारा जैसे कि आपका एफकेट प्लस सीडीएस का बैच है, एंड अगेन एफकेट के लिए एक सेपरेट बैच है. तो या तो एफकेट प्लस सीडीएस कंबाइंड बैच है या फिर एफकेट प्लस सीडीएस बैच है. आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारी चीज़ें. और सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब जो भी हमारा जो भी जितना भी कंटेंट है वो एक वेटरन कर्नल है, कर्नल व्यास सर, उनके द्वारा सारा मॉनिटर किया जाता है. वो भी हमारे फीडबैक देते रहते हैं और डील करते रहते हैं डाउट्स के साथ. तो सो प्लीज़, इफ़ यू रियली वांट वांट टू इनरोल एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो बैच में, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो. एंड ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत डिफेंस एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है. तो आप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पर देख सकते हो, या फिर मेरा नंबर है 8709496474. तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज करके इनरोल कर सकते हो. थैंक यू.